उसके बाद भी सरकार मनमानी करके उस पर ज्वाइनिंग परमानेंट करा दी, या उस ज्वाइनिंग लेटर पर नीचे लिखी है कि अगर 2 साल या कभी भी अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर इस केस का उनके पॉजिटिव होगा तो आप दावा नहीं ठोक सकते हैं कि हम इसमें परमानेंट रहेंगे, ऐसा चाल चल रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, धरना स्थल पर। यहाँ पे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के गेस्ट प्रोफेसरों का नियमित नौकरी के मांग को लेकर के धरना चल रहा है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इनकी क्या समस्या है। गेस्ट टीचरों की क्या समस्या है? सर, गेस्ट टीचर ने गेस्ट लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। जी जी, तो स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं ना। जी जी, आप लोग धरना पे हैं? हम धरना पे हैं, हम अपने मांगों को लेकर के धरना में हैं कि हम लोग का फर्स्ट मांग जो है वो हम लोग को अपने जॉब के लिए समायोजित करना फर्स्ट, और दूसरी है हम लोग को धरना पर बैठने का कारण कि जो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। आज जो वैकेंसी निकाल दी जा रही है परमानेंट, और जो भी बहुत दिन से मतलब 10-15 साल से जो काम करते आ रहे हैं प्रोफेसर और लेक्चरर्स डिफरेंट इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, तो उन लोगों के साथ ये अन्याय नहीं हो, उनको किसी ना किसी तरह से वेटेज देना चाहिए सरकार को, जो कि नहीं दे रही है। और कुछ ही समय में बहुत सारे कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, कुछ लोग अपने घर से अपने जॉब से बेदखल हो जाएंगे, जिस तरह से आज रोड पर धरना पर बैठे हैं उस तरह से वो कहीं बैठने के लायक हो जाएंगे। तो इस सरकार के ये मानसा के खिलाफ हम लोग ये धरना रखे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपने बातों को रखने के लिए और मनवाने के लिए। आप किस कॉलेज में थे? हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा में हैं, अभी हैं, अभी हैं, अभी हम निकले नहीं हैं सर। सरकार की कौन सी पॉलिसी है जो आप लोग को प्रभावित कर रही है? सरकार की पॉलिसी है कि जनता से वोट लेने के लिए उनका एक नारा है, लिखित में है इस तरह की, कि हम जैसे सरकार में आएंगे तो 10 लाख जॉब देंगे उनके तरफ से। और मेरे तरफ से हम जहां तक जानते हैं वहां तक वो दे भी रहे हैं। सरकार का 20 लाख था, हाँ, तो 10 लाख आ गया। उसके बाद वो दे भी रहे हैं, 10 लाख भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार को गुमराह करके ये काम किया जा रहा है। कैसे ये बता रहे हैं आपको कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ले लिए, जहाँ पर वैकेंसी की दावा की जा रही है यहाँ पर हमने इतना जॉब दिया या दे रखा है या देने वाले हैं, वहाँ पे उतने इम्प्लॉय को जो पहले से 10-15 साल से वो मेडिकल हो या हम लोगों का टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल फील्ड हो, हर जगह उनको उतना उनसे ज़्यादा आदमी को हटाया जा रहा है, तब जा करके वो नया पोस्ट दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो नया दे रहे हैं। नीतीश सरकार में सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग आशा में एक कि हम लोग ही परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट होंगे किए, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, गठबंधन हो गया, तो गठबंधन के बाद उनको भी मिलकर भुला गया। अब कह रहा है क्या कि हम नया दे रहे हैं, तुम अब जाओ। इसके अगेंस्ट में हम लोग खिलाफ, मतलब आप लोगों का मांग यह है कि पहले से हम लोग जब गेस्ट प्रोफेसर हैं, हाँ, तो हम ही लोग को परमानेंट किया जाए। हाँ, ये लड़ाई है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी, हम लोग समायोजन किया जाए। आप हमको परमानेंट की बात या कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट की बात क्या, हमको 65 साल तक कर दीजिए, नियत वेतन है, यही मांग है। हम लोग का मांग पत्र भी रखे हुए हैं, आपको देंगे भी, कि हम लोग को 65 साल तक नियमितीकरण कर दे। तो क्या इस संबंध में किसी सरकार या के अधिकारी या किसी मंत्री से आप लोगों की कोई बातचीत हुई? DST के जो हम लोग के मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, उनके पास भी हम लोग गए, वहाँ भी बात किए। तेजस्वी सर के पास भी हम लोग जा करके गए हैं, 2-3 बार गए हैं, अपने मांग पत्र दिए हैं, और दिए हैं तो वहाँ पे आश्वासन मिला है। आश्वासन मिलते मिलते आज हम लोग का सारा धीरे धीरे हटाया जा रहा है कम्प्लीट। सरकार में आने के बाद आश्वासन मिला है? नहीं, हाँ, सरकार के आने से पहले ही हम गए थे, हमको याद है, कोरोना काल उस समय चल रहा था, ठंडा का समय था, हम गए थे और भी हमारे दोस्त लोग गए थे। उस समय भी बोला गया कि हम आएंगे तो हम कर देंगे ऐसे, लेकिन जैसे आए तो सारा के सारा हम लोग को जो लग रहा है कि नीतीश सरकार जो है वही चला रही है, वो झूठा एक मतलब जुबला था हम लोग के साथ कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा हम लोग के साथ। तो मतलब ये है कि सरकार ने जो 10 लाख या 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, वो पुराने पद को खाली करके वो उसी को भरने की काम कर रही है, नए रोजगार सृजन नहीं, नया रोजगार नहीं सृजन है। हम लोग के डिपार्टमेंट में जो भी बात है या मेडिकल, दोनों चीज़ की हम बात कर रहे हैं, मेडिकल में तो कुछ है भी, लेकिन हम लोग में कम्प्लीटली जो कॉन्ट्रैक्ट में काम किए हैं उनको एकदम कम्प्लीट हटाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के फॉर्म में हो तो उनका तो बात ही हटा दीजिए, गेस्ट में जो भी हैं वो सब किसी को हटाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे बिहार में कितने गेस्ट प्रोफेसर हैं? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगभग 1200 हैं। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज दोनों मिला करके 1200, और मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज उसका तो, हाँ, उसमें तो ANM GNM वाला देखे ही थे, धरना पर धरना कितना मतलब ह्यूज अमाउंट में वहाँ पर क्राउड हुआ था, जो कि उन लोगों को भी हटाने के लिए आ गया था, सारा किस तरह से बवाल हुआ, तो उनको सबों के साथ यही समस्या, सबों के साथ आपको यही है, और जहाँ पे नहीं है ऐसा ही होने वाला है। कहाँ से लाइएगा जॉब? जो काम कर रहा है उसको हटाइए के लाइएगा। किसी भी पोस्ट के लिए मान लीजिए 200 सीट है तो आप 400 कैसे कर दीजिएगा? कहाँ से लाइएगा? नया सा सृजित कहाँ से कीजिएगा? अदर स्टेट में
बहुत सारा दो तीन स्कीम चला कि अगर मान लीजिए टीचिंग इम्प्रूविंग स्किल चला, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं 10 साल 12 साल से, तो अगर उनमें किसी में तरह का प्रॉब्लम है तो दूसरा जगह से उनको ट्रेन करके ला करके रखा गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अब सीधे सीधे दिया जा रहे, आप अयोग्य हैं, 12 साल तक पढ़ाए तो कितने को योग्य बना दिए, आज अब हम ही अयोग्य हो गए हैं, सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। यहाँ तक ऐसा स्थिति है कि इस सभा में जो आए हुए हैं तो बहुत सारे इसमें आप लोगों को लेक्चरर प्रोफेसर मिलेंगे जिनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज वो भी गेस्ट में है, जैसे ही मेरा ही चेला ही है यहाँ पर, और भी दो तीन यहाँ पर, हम अपना बोल रहे हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो भी सर लोग हैं सब का एक साथ। जिस पीरा से आप गुजर रहे थे आपके छात्र भी आज उसी पीरा से। नहीं नहीं, हम पीरा इसको नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे जो आप जॉब चूज कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो आगे चल के पीरा बन जाए कि सुख बन जाए, ये तो भविष्य के बाद तय होगा ना। तो ये अपना इंटरेस्ट जगा करके इसमें आए हैं, इंटरेस्टिंग ये फील्ड है उनका तो आए, उनको हम पीरा नहीं कहेंगे। हो सके बहुत आदमी यही गेस्ट से ही परमानेंट भी हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। अच्छा एक सर, एक चीज़ सर, कि गेस्ट टीचरों को क्या समय पे सरकार जो है वो वेतन देती है या जो? देखिए यही तो विडम्बना है, हम लोग अभी इसमें से 90% जो भी फैकल्टी हैं लगभग किन्हीं का 8 महीना से, किन्हीं का 6 महीना से, किन्हीं का 5 महीना से सैलरी अभी तक नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है, और 2000 वैकेंसी परमानेंट जिसका वेतन 80,000 के अप्रोक्स जाएगा उसको कराने के लिए तैयार है, हम लोग के देने के लिए नहीं है, लेकिन वो परमानेंट वैकेंसी देने के लिए वो कहाँ से लाएगी? अच्छा अभी तक जो परमानेंट है क्या उसको महीना दर महीना मिल रहा है क्या? 1-2 महीना कभी कभी डिले होता है, तो उन लोगों से हम लोग कोई बात ही नहीं है, उन लोगों से हमको कोई बात नहीं है, परमानेंट है क्या हो रहा है उनको समस्या के लिए आते ना वो भी वो नहीं आए तो उनका क्यों बात करें? समस्या नहीं है इसका मतलब? नहीं है, समस्या है लेकिन उन लोगों में देखिए हाई, हम एक बात बोलते हैं एक थी अपना एक जुमला जैसे बनाए हैं, हाईली क्वालिफाइड हाईली अनस्टेबिलिटी की तरह है, आज पूरे सरकार के पूरे बिहार में बता रहे हैं कि हाईली क्वालिफाइड हाईली अनस्टेबल की तरह जाते जा रहा है, अनस्टेबल अपने से हो रहा है या किया जा रहा है उसको? तो आप लोगों का सीधा सा मांग है कि हम लोग जो पहले से काम कर रहे हैं हम लोग को परमानेंट कर दिया? हाँ हाँ, ये चीज़ हम लोग का मांग है। तो क्या आज जब आप यहाँ सुबह से ही धरना पे हैं, तो क्या सरकार के कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं? सर हमने आपके किसी मांग पत्र को स्वीकार करने के लिए? मांग पत्र हम सेंड भी किए हैं, पहुँचाए भी हैं, लेकिन जो भी प्रतिपक्ष लोग हैं या सब जगह भेजे हैं लेकिन कोई अभी आज तक नहीं आया है। हम ही लोग, हो सकता है 4 बजे के बाद धरना खत्म होगा तो हो सके हम फिर हम लोग जाएंगे, डोर टू डोर 8 बजे तक 7 बजे तक हम जा करके देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपने समस्या को बताते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, अन्याय हो रहा है। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेंगे? सर देखिए सरकार नहीं मानेगी तो हम लोगों के पास दो तरह से रास्ता है, एक न्यायिक तौर पर जो कि हम लोग लड़ रहे हैं, 4-4 केस हुआ है, केस का ऑर्डर भी है, उसके बाद भी सरकार मनमानी करके उस पर ज्वाइनिंग परमानेंट करा दी या उस ज्वाइनिंग लेटर पर नीचे लिखी है कि अगर 2 साल या कभी भी अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर इस केस का उनके पॉजिटिव होगा तो आप दावा नहीं ठोक सकते हैं कि हम इसमें परमानेंट रहेंगे, ऐसा चाल चल रहा है। बात समझे हम क्या बोले? आप ज्वाइन कीजिए लेकिन आपके पास नीचे लिख करके साइन करा करके रख लिया गया है कि कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का CWJC नंबर लिख करके रखा गया है कि अगर ये फाइनल आपका ज्वाइनिंग जो होगा निर्णायक होगा कोर्ट के ऑर्डर पर, मतलब अगर 1 साल काम कर लिया कोर्ट कहा कि नहीं ये गलत हुआ था तो आप हटिए, आप दावा नहीं ठोक सकते हैं, वो उस पर साइन करवाया गया है, उसके साथ भी धोखा हो रहा है और हम लोग के साथ तो हो ही रहा है कम्प्लीटली। तो आपने सुना ही कि जो गेस्ट प्रोफेसर हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के जो गेस्ट प्रोफेसर हैं उनका जो है धरना चल रहा है, ये लोग 2 दिवसीय धरना पर हैं अपनी इस मांग को लेकर के कि हमारा, हम जो गेस्ट टीचर हैं हमको जो है परमानेंट नौकरी पे रख लिया जाए, परमानेंट प्रोफेसर के रूप में हम लोगों को नियुक्त कर दिया जाए।